दोस्तों YouTube पर मैं एक नया यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं YouTube से ऑलरेडी इनकम करता हूँ क्योंकि YouTube पर मेरा एक फास्ट चैनल है डिजिटल शाहिद पॉइंट। इस बात कहने के मतलब ये है कि काफी लोग नया यूट्यूबर सोच के मेरा वीडियो से निकल जाता है, इसलिए भाई मैं एक नया यूट्यूबर नहीं हूँ। वीडियो आप पूरा देखिए तो भी जाके दोस्तों आपको नॉलेज मिलेगा, आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो इस वीडियो से। तो दोस्तों देखिए, एक नया चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद व्यूज क्यों नहीं आता है, रीजन क्या है, वजह क्या है, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये चीज मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसे 5 ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप यूज करके आपकी वीडियो पर आप व्यूज ला सकते हो। और इसमें दोस्तों इतना ही नहीं, आपकी चैनल जो है साथ में ग्रो भी होगा और यूट्यूब ने आपकी चैनल जो है बूस्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों मुझे ऑलरेडी ये आइडिया आ चुका है कि मेरा पास 2 चैनल है, एक तो मेरा फास्ट चैनल है डिजिटल शाहिद पॉइंट और इस चैनल का नाम है टेक आईएनडी शाहिद। देखिए दोस्तों एक वीडियो, सेम वीडियो अगर मैं मेरा फास्ट चैनल पर मैं अपलोड करता हूं तो इस वीडियो पर मतलब तुरंत व्यूज आना शुरू हो जाता है, लेकिन सेम वीडियो अगर मैं उसी चैनल पर अपलोड करता हूं ना तो इस चैनल पर व्यूज नहीं आता है। तो रीजन क्या है, वजह क्या है? अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो और आपके चैनल पर आप लगभग 200 से 250 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसके बावजूद वीडियो में व्यूज नहीं आता है, चैनल ग्रो नहीं होता है, यूट्यूब ने नया चैनल को क्यों बूस्ट नहीं करता है, ये आइडिया मेरे पास आ चुका है क्योंकि मेरे पास 2 चैनल है, एक चैनल से तो मैं ऑलरेडी इनकम करता हूँ। तो ये आइडिया जो आया है, ये आइडिया आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मैं 2019 से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, वीडियो आप इतना मेहनत करके अपलोड करते हो लेकिन अपलोड करने के बाद 8, 10, 15, 20 व्यूज आता है, उसके बाद व्यूज जो है रुक जाता है और उसके बाद दोस्तों उस वीडियो पर एक भी व्यूज जो है इंक्रीज नहीं होता है, प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम हटाने के लिए आपको ये 5 ट्रिक्स अप्लाई करना होगा। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये ट्रिक्स अप्लाई करते हैं और ये चीज आज आप लोगों के साथ मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि आखिर बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं क्या ट्रिक्स अप्लाई करते हैं वीडियो में। तो 5 ट्रिक्स में से सबसे पहले जो ट्रिक्स है ये आपको गौर से समझ लेना है क्योंकि दोस्तों इनमें से फर्स्ट जो ट्रिक्स है कि आपको एक नीश पर वीडियो अपलोड करना है, एक कैटेगरी में वीडियो अपलोड करना है। इसका जो एग्जांपल है दोस्तों देखिए, अगर आप एक चैनल पर मल्टीपल वीडियो अपलोड करते हो, आप विभिन्न वीडियो अपलोड करते हो तो उससे क्या होता है कि आप मतलब जो सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे ना, इकट्ठा सब्सक्राइबर्स आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप एक चैनल पर ब्लॉग वीडियो अपलोड करते हो तो ब्लॉग वीडियो की जो सब्सक्राइबर्स है आपके चैनल पर होता है, अगर आप टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो तो टेक रिलेटेड वीडियो देखने वाला सब्सक्राइबर जो है आपके चैनल पर होता है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि एक नीश यानी कि एक कैटेगरी में वीडियो अपलोड करना है तो भी जाके दोस्तों आपके चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे ना तो एक कैटेगरी में मिलेंगे। तो जब भी दोस्तों आप वीडियो अपलोड करेंगे तो एक ही कैटेगरी के सब्सक्राइबर्स होता है, तो उसी सब्सक्राइबर्स ने मतलब जितना सब्सक्राइबर्स है कम से कम दोस्तों 100 में से 10% लोग आपकी वीडियो देखेंगे। अगर दोस्तों आप मल्टीपल वीडियो अपलोड करते हो तो मल्टीपल मतलब ऑडियंस आपके साथ रहेंगे। जो अगर मान लीजिए आप टेक कैटेगरी में वीडियो अपलोड किया है तो जो टेक कैटेगरी में जो सब्सक्राइबर्स है उन्हीं लोग आपकी वीडियो देखेंगे लेकिन ब्लॉग वाला नहीं देखेंगे, इसलिए एक कैटेगरी में वीडियो अपलोड करना है। सेकंड दोस्तों जो है यह आप लोगों के साथ में लाइव दिखाने वाला हूँ कि ये बड़े बड़े ट्रिक यूट्यूबर जो है आखिर क्या ट्रिक्स यूज करता है। इसके लिए दोस्तों मुझे एक काम करना होगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड जो है ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों देखिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड जो है ऑन कर लेता हूँ, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन किया है और YouTube के रिलेटेड जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, किसी एक यूट्यूबर मैं यहाँ सर्च करता हूँ वीडियो। जैसे कि दोस्तों देखिए, मैंने YouTube ओपन करता हूँ और YouTube ओपन करने के बाद आपको ये पता लगाना है क्योंकि आपने इतना टाइम, हो सकता है आपने 1 साल या 6 महीने आप बर्बाद कर चुके हैं और उसके बावजूद जो मेहनत आपने लगाया है मेहनत बिल्कुल बेकार हुआ है। तो भाई 8-10 मिनट टाइम आप लगा लीजिए इस वीडियो में, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस वीडियो देखने के बाद आप पूरा पॉपुलर हो जाओगे, भाई मैं कभी मतलब गलत चीज़ ऑडियंस को मैं कभी प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो देखिए, मैंने YouTube जो है ओपन किया है, उसके बाद मैं एक बड़े क्रिएटर्स के चैनल जो है सर्च करूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को एक लाइक करना है और एक प्यारा सा कॉमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं सर्च बार में सिंपली एक बड़े क्रिएटर्स के नाम जो है सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, SPREADING ज्ञान, मैंने स्प्रेडिंग ज्ञान चैनल जो है सर्च किया है।
सर्च करने के बाद दोस्तों आप लोग गौर से देखिए, ऐसा पास ट्रिक्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए एक वीडियो आ चुका है, 3 दिन में 82K यानी कि 82,000 व्यूज आया है। तो उस वीडियो क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या ट्रिक्स लगाया है आप देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों इस वीडियो जो है मैंने ओपन किया है, उसके बाद दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओपन करता हूँ। और जैसे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन ओपन किया है, उसके बाद आप देख लीजिए वीडियो को गौर से देखिए। यहाँ देखिए मोर ऑप्शंस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने मोर ऑप्शंस पर क्लिक किया है, नीचे देखिए भाई आप डायरेक्ट आप खुद आपकी आंखों से देख लीजिए कि योर क्वेरीज यहाँ लिखा हुआ है। और उसके नीचे दोस्तों देखिए इतना बड़े क्रिएटर से, लेकिन नीचे कितना टैग जो है मेंशन किया है। देखिए वीडियो अगर वायरल नहीं होता है, वायरल होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मतलब क्रिएटर्स ने देखिए मतलब यहाँ देखिए कितना टैग जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन पर लगवाया है। और टैग में तो मतलब मैंडेटरी है टैग लगाना है, टैग में तो टैग रहेगा ही, लेकिन दोस्तों यहाँ डिस्क्रिप्शन पर आप टैग देख लीजिए। ये दोस्तों आपको हमेशा यूज करना है, क्योंकि दोस्तों इससे दोस्तों वीडियो क्या होता है, वीडियो रैंक करता है, वीडियो सर्च में चला जाता है, वीडियो वायरल होता है। यह मतलब दूसरा जो ट्रिक्स है। तीसरा जो ट्रिक्स है दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए कि दोस्तों आपको बड़े यूट्यूबर्स जो है आपकी कैटेगरी में बड़े मतलब ऐसे बड़े यूट्यूबर्स जो है आपको फॉलो करना होगा, जो आपकी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है। उन्हीं बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स होता है, उन्हीं बड़े क्रिएटर्स को क्या करना है कि आप फॉलो करना है। फॉलो करने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, देखिए दोस्तों एक बड़े क्रिएटर्स की माइंड में जो कुछ आता है ना, एक न्यू क्रिएटर्स की माइंड में इतना कुछ आता नहीं। इसलिए फॉलो करने से यह होता है कि उन जो बड़े क्रिएटर्स है, बड़े क्रिएटर्स में मतलब हफ्ता में या 15 दिन में कोई ना कोई एक वायरल टॉपिक ढूंढ लेता है। लेकिन ये जो टॉपिक बड़े यूट्यूबर्स ने ढूंढता है, आप ये ढूंढ नहीं सकते हो। इसलिए बड़े जो जितना आप यूट्यूबर्स को फॉलो करेंगे, उन्हीं मतलब चैनल को विजिट करना है, विजिट करके देखना है कि एक महीने के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर कौन सा ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, उस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। क्योंकि एक नया क्रिएटर्स के माइंड में ये नहीं आता है कि वर्तमान में कौन सा टॉपिक जो है यूट्यूब पर डिमांड चल रहा है, लेकिन एक बड़े क्रिएटर्स के माइंड में ये चीज़ होता है। इसलिए बड़े क्रिएटर्स क्या करता है कि डिमांड वाला जो टॉपिक होता है यूट्यूब पर अपलोड करता है, तो आप वहाँ दोस्तों देख के आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि उस टॉपिक की डिमांड है। तो दोस्तों आपको मतलब लगभग 8-10 जो चैनल जो है आपको फॉलो करना है। उसके बाद फोर्थ जो ऑप्शन है दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों मैं बैक करता हूं, और बैक करने के बाद दोस्तों यहां आप देख लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप जिस चैनल पर वीडियो अपलोड करते हो और वीडियो अपलोड करने के बाद व्यूज नहीं आ रहा है, ये चैनल आपको यहाँ सर्च करना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ सर्च करता हूँ, यहाँ देखिए मैं सर्च किया है। सर्च करने के बाद दोस्तों उस चैनल पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके चैनल से आपको आइडिया मिलेगा कि आखिर व्यूज क्यों नहीं आ रहा है। इसके बाद नीचे देखिए वीडियो है, वीडियो की ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो की ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए दो ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा, एक तो है लेटेस्ट और एक है दोस्तों पॉपुलर। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों पॉपुलर ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे आप पॉपुलर ऑप्शन चूज करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके चैनल पर मतलब जितना अगर जो वीडियो आपने अपलोड किया है बिल्कुल बेकार वीडियो अपलोड किया है मान लीजिए, लेकिन उन्हीं बेकार वीडियो में से कोई ना कोई वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूज आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, तो आपको पता लगाना है कि मेरे चैनल पर आखिर कौन सा वीडियो में ज़्यादातर व्यूज आए हैं। उसी टॉपिक पर आपको हफ्ता में कम से कम एक वीडियो अपलोड करना है, बार बार हर एक हफ्ता में आपको वीडियो रिपीट करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके चैनल के लिए सेट हो चुका है। इसलिए इस वीडियो पर पूरा चैनल से मतलब पूरा चैनल में जितना वीडियो है सारे वीडियो में से इस वीडियो पर व्यूज ज़्यादा आ रहा है, तो ये वीडियो जो है आपके चैनल के साथ सेट हुआ है, तो उसी टॉपिक के ऊपर आपको हफ्ता में कम से कम एक वीडियो अपलोड करना है। तभी जाके दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ जो ऑप्शन है, यानी कि जो पांच नंबर जो ट्रिक से आपको क्या यूज करना है, दोस्तों आपके हर एक कैटेगरी में सर्चेबल कंटेंट होता है। सर्चेबल कंटेंट क्या होता है देखिए, जैसे कि दोस्तों देखिए सर्चेबल कंटेंट एवरग्रीन जो कंटेंट कहा जाता है, सर्चेबल कंटेंट आपके चैनल पर अपलोड करना चाहिए, तभी जाके दोस्तों आपको वॉच टाइम मिलेगा और सब्सक्राइब भी मिलेगा। कैसे देखिए हर एक कैटेगरी, जैसे कि दोस्तों आप कुकिंग रिलेटेड आप वीडियो अपलोड करते हो, तो कुकिंग रिलेटेड चैनल के अंदर मतलब क्या मतलब सर्चेबल कंटेंट होता है, जैसे भी रेसिपी कैसे बनाए आप देख सकते हो,
आप मतलब ये भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि देखिए रोल कैसे बनाए, पनीर मसाला कैसे बनाए, ये सर्चेबल होता है क्योंकि लोग कैसे बनाए जो है ये सर्चेबल कंटेंट है। अगर आप यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो, ट्यूटोरियल लोगों को सिखाते हो, तो आप मतलब इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हो कि वीडियो कैसे एडिट किया जाता है यूट्यूब के लिए, काइन मास्टर से वीडियो कैसे एडिट किया जाता है, ये सर्चेबल टॉपिक होता है। इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है कि सर्चेबल टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करना है, तो भी जाके दोस्तों आपके चैनल के जो रिजल्ट है दोस्तों एक महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो भी जाके आपकी चैनल जो है यूट्यूब ने बूस्ट करेगा, क्योंकि एक नया चैनल यूट्यूब ने इतना जल्दी बूस्ट नहीं करता है, ये मुझे आइडिया हो चुका है, क्योंकि मेरे पास दो चैनल है। मेरा जो फास्ट चैनल है सेम वीडियो, मेरा फास्ट चैनल पर अपलोड करने के बाद व्यूज आ जाता है, लेकिन इस नया चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद व्यूज नहीं आता है, तो आप यहां से पता लगा सकते हो। तो इस तरह से भाई आप अपने चैनल पर काम कीजिए, डेफिनेटली आपको व्यूज आएगा, आपकी चैनल आप मोनेटाइजेशन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।